हेलो साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। माई सेल्फ ममित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर कम एडवोकेट। देखिए, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि चूंकि आप सबको पता है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है और 10 जुलाई को इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो आज मैं आपके सामने इसलिए हूँ ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि यूपी एपीओ प्री की तैयारी कैसे की जाए और उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग हो और कैसे प्रिपरेशन की जाए, इसके लिए आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात यहाँ से शुरुआत करूंगा कि इफ़ यू थिंक यू कैन और इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। यानी कि यदि हम पहले से ही सोच लें कि हम ये काम कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, और यदि आप पहले से ही अपने माइंड में ये फोकस कर लें कि आप ये काम नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। इसका मतलब है ये आपकी विल पावर होगी कि आप पहले ही माइंड में बनाइए कि आप ये काम कर सकते हैं। यदि आप इस सोच के साथ एग्जाम में उतरे हैं कि आप उत्तर प्रदेश एपीओ का एग्जाम क्रैक कर सकेंगे तो आप कर सकेंगे, लेकिन यदि पहले से ही आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगे कि हमारे पास अब टाइम कितना बचा है, 40 और 45 डेज, और हम इसमें ऐसा कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये नेगेटिव थॉट आपको नहीं लेके चलना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके पास अप्रॉक्स 45 डेज बचे हुए हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप अभी से सोच लें कि 45 दिन कम नहीं है यानी कि बहुत ज्यादा है, तो आप 45 दिनों में भी यूपी एपीओ एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात के लेके ही कि आप कैसे तैयारी करेंगे उस पर आज हमारी ये वीडियो है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस बात को समझते हैं कि आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो क्या है कि यूपी एपीओ 2020 और 45 दिनों में तैयारी कैसे करें, और उसके साथ मैं आपके सामने हूँ ममित जैन। तो जरा ध्यान देंगे आप, मेरी कुछ तैयारी सोचिए, जो मैं आपको कुछ हिंट्स देने वाला हूँ उसे फॉलो कीजिए तो ये एग्जाम जरूर निकलेगा। तो समझते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश एपीओ की, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ आप जानते होंगे कि एक हमारा इंडियन पैनल कोड 1860 है, साथ में सीआरपीसी 1973 है, एक हमारा आता है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और उसी के साथ हमारा एक सेंट्रल एक्ट है पुलिस एक्ट 1861, और एक लोकल एक्ट भी हमारे सामने देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट। और जब हम इन लॉ के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये पांचों सब्जेक्ट कितने मार्क्स कैरी करते हैं, ये करते हैं 100। यानी कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा प्री एग्जाम है कितने मार्क्स का होगा, ये ओवरऑल होगा 150 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, यानी कि 150 मार्क्स का ये पूरा एक एग्जाम होने वाला है। और जिसमें जब हम लॉ के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें 100 मार्क्स केवल ये पांच सब्जेक्ट कैरी करते हैं, और उसी के साथ हमारा 50 नंबर का जनरल नॉलेज भी आता है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और सबसे खुशी की बात यहाँ पर यह है कि आपको इन 50 मार्क्स में नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि टारगेट फॉर आईक्यू में हमारे पास एक मोस्ट रिस्पेक्टेबल सर सत्येंद्र सर हमारे साथ हैं, और जो जनरल नॉलेज आपको चुटकियों में और बहुत ही आराम से इसे पढ़ा देंगे, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट, मैं यहाँ पर आपके लॉ के सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ। देखिए, पहले तो हम जब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट की बात करेंगे तो देखिए इस बात को आप समझेंगे कि ये तीन सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, ये होंगे 85 मार्क्स के। और यदि हम बात करें पुलिस एक्ट की और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की तो ये कैरी करेंगे 15 मार्क्स। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान देंगे क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हम लॉ टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में काफी अवेयर होंगे और नॉलेज भी रखी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये लोकल एक्ट हैं जो हमने कभी शायद पहले नहीं पढ़ा हो, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट वीक रहते हैं और यहीं पर कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन से अंदर या बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इन दो एक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। भले ही आपको देखने को मिल रहा है कि 15 मार्क्स हैं, आपको लगे सिर्फ 15 मार्क्स, लेकिन नहीं, ये 15 मार्क्स ही आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं यदि मैं लॉ के सब्जेक्ट की बात करता हूँ। तो आपको ये बड़ा फोकस करना पड़ेगा। और इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि हम पुलिस एक्ट 1861 की बात करते हैं तो इसमें 15 क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन में लगभग ये 7 और 8 मार्क्स कैरी करता है। और बाकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट है वो रेस्ट ऑफ मार्क्स
यानी कि यदि मैं बात करूँ, यदि यहाँ पर 7 और 8 हैं, तो यहाँ भी आप मानिए अप्रॉक्स 7 और 8 मार्क्स यहाँ भी कैरी करेंगे। यानी कि यहाँ पर 7 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपको दे देंगे 8, और यदि यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यदि इस एक्ट को आप पढ़ते हैं तो इसमें केवल 47 सेक्शंस हैं। और सोचिए सिर्फ 47 सेक्शन में आपके 7 और 8 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो बड़ी बात है। और ये यदि सिर्फ 47 सेक्शंस की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में आप इसे कंप्लीट कर देंगे। यदि आप थोड़ा देखिए बेयर टिप जरा फोकस करेंगे, मैं भी आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन यदि मैं पुलिस एक्ट 1861 की बात करता हूँ, तब बेयर कीजिए। और सबसे पहले जो इसका प्रिम्बल है यानी कि ऑब्जेक्ट है, वो आप पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन तो शायद वहीं से निकल जाता है। इसकी डेफिनेशन क्लॉज देखिए, और इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि इसके लगभग लगभग जितने भी सेक्शंस हैं उनसे गो थ्रू हो जाइए आप, क्योंकि 47 सेक्शंस हैं और आप एक कॉम्पिटिटर हैं तो आपको महत्व करनी पड़ेगी। लेकिन 47 सेक्शन यानी कि एक दिन से कम में हमारा ये एक्ट कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कुछ सेक्शन रिपील हुए हैं तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा। जैसे सेक्शन 6 रिपील हुआ है, सेक्शन 11 रिपील हुआ है, 38 से लेके 41 तक रिपील हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी बन जाता है। और इसमें आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि कौन से पुलिस ऑफिसर को कौन सी पावर किस सेक्शन में दी गई है। यदि आपने इन बातों को फोकस कर लिया है, और फिर इस एक्ट में आप ये देखेंगे कि कुछ पनिशमेंट के प्रोविजन दिए हुए हैं, यानी कि कितना फाइन कितना पनिशमेंट किस प्रोविजन में है, इस पर आप फोकस कर लीजिए। एक इसका इंडेक्स देख लीजिए, और जो हेडिंग्स वगैरह हैं उस पर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, और एक दिन में आप ये एक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये पैराओं में डिवाइड किया गया है, लेकिन और कहीं ना कहीं इसमें सिलेबस देखा जाए तो ज्यादा है, लेकिन इसमें भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कुछ मेन चैप्टर हैं जो आपको हम अगले वीडियो में या टारगेट फॉर आईक्यू में जब हमारी क्लासेस चलेंगी एपीओ के लिए, तो उसमें हम आपको और खुल के बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एक होती है स्टडी और एक होती है स्मार्ट स्टडी। यानी कि हमें एपीओ बनना है, हमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इतनी तैयारी कीजिए जो आपके एग्जाम में आने वाली है, और क्या आपके सिलेबस में आएगा और क्या नहीं आएगा ये काम हमारा बताने का, जिसके लिए हम आगे भी वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। तो और बाकी हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्प्ले में शो हो रहा है, तो आप यहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें चैप्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि किस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं और वो चैप्टर किस के बारे में बात करते हैं, तो वो चीज आपको थोड़ी फोकस करनी होगी। और इसमें कुछ 4-5 टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन यदि मैं बात करूं कि 7 से 8 क्वेश्चन यूपी पुलिस रेगुलेशन में आने वाले, तो 5-7 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। यानी कि हमें पूरा का पूरा ये एक्ट नहीं पढ़ना है, यानी कि हम 8 से 10 टॉपिक पे फोकस करें तो चले ठीक है, मान लेता कि हम 7 से 8 क्वेश्चन भी कैरी ना कर पाए तो हम 5 से लेकर 6 क्वेश्चन तक सिर्फ 7-8 या 10 टॉपिक पढ़ के हम उसे कैरी कर सकते हैं। लेकिन वो टॉपिक कौन से होंगे इसके लिए आप टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़े रहिए। इसके बाद जो 85 मार्क्स हैं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि कोई न्यू कमर भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए जहां तक आईपीसी की बात है तो कुछ बेसिक बातें हैं, यानी कि पूरा आईपीसी आपको 511 सेक्शन नहीं पढ़ने हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 आपको पता होना चाहिए, यानी कि उस एक्ट का नाम क्या है, उसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, कहां पर वो एनफोर्स होता है, कुछ बेसिक बातें। और प्रिम्बल जरूर देखिए किसी भी एक्ट का। उसके बाद देखिए आईपीसी में जो डेफिनेशन क्लॉज आ रहा है, यानी कि कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, उन्हें आप थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि जनरल एक्सेप्शन, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, या ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो कुछ विशेष सेक्शंस हैं जिन पे आप फोकस करेंगे तो उनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जहां तक हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट की, तो देखिए एविडेंस एक्ट में मैं स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा यही फोकस करता हूँ कि यदि आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो पहली बात है कि कंसेप्ट आपको क्लियर होने ही चाहिए।
लेकिन एविडेंस एक्ट में यदि हम शुरू के प्रोविजंस की बात करें यानी कि रजिस्ट्री की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रजिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि सेक्शन 6 से लेकर 16 तक आपको कहीं ना कहीं इस पर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 6 से लेकर 16 को उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिखाए गए हैं, तो आप उन इलस्ट्रेशन पे यानी कि दृष्टांत पे विशेष ध्यान देंगे क्योंकि उनमें से हमारे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद आगे यदि आप चलेंगे तो जैसे डाइन डिक्लेरेशन हो गया है, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया है, करेक्टर रेलेवेंसी एस टू करेक्टर यानी कि शील का साक्ष्य हो गया है। उधर आप पीछे जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की गई है या प्रिजम्पशंस की बात की गई है, उपधारणाओं की बात की गई है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और उधर बर्डन ऑफ प्रूफ और सेक्शन 100 के बाद आप पीछे तक जाएं यानी कि 167 तक, तो 100 से लेके 167 तक भी प्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेकिन देखिए यहाँ भी घबराने की ऐसी कोई खास बात नहीं है क्योंकि एविडेंस एक्ट भी एक छोटा एक्ट है यानी कि 167 एक्ट है। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि यदि आपने ये सोच लिया है कि हम ये एक्ट कंप्लीट करेंगे 2 दिन में, चलिए आप 1 दिन और ले लीजिए, 3 दिन, तो 3 दिन में आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन सिर्फ डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और जो मेहनत है बस वही 45 दिन बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि 45 दिन कम है, बहुत है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन 45 दिन में। आपको दिन रात कुछ नहीं देखना है, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए क्योंकि यही टाइम है आपका कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, तो इसमें जितनी मेहनत कर सकते हैं आप कीजिए। उसके बाद हम CRPC की बात करते हैं, तो जरा इस बात पे आपको फोकस करना है कि CRPC पढ़ने का भी एक मेथड होता है, यानी कि जब आप CRPC पढ़ें तो आप सेक्शन 1, 2, 3, 4 से नहीं चलें। इसे आपको समझना होगा कि CRPC कैसे पढ़ी जाती है। तो आप बिल्कुल जैसे आप एक लेमैन होते हैं, एक आम आदमी है, उसकी तरह सोचें, यानी कि एक ऑफेंस होने के बाद आप क्या करवाएंगे, आप एक FIR करेंगे। तो आप सबसे पहले टॉपिक FIR भी पढ़ लीजिए सेक्शन 154 में। तो उसके बाद FIR होने के बाद क्या होता है, पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो आप जाइए 157 से आगे के टॉपिक पढ़ लीजिए। तो यदि आप उसी तरीके से CRPC को पढ़ेंगे तो भी हम उसे कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्स है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्स होते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। कौन कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक होते हैं, इसे आप जरूर पढ़िए क्योंकि इसके बिना आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है उसे आप जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, इन पे आपको फोकस करना है। और उसके बाद आपका कंप्लेंट हो जाता है, जो ट्रायल्स हैं, चार्ज है, बेल के प्रोविजंस हैं, इन्हें आप फोकस कीजिए। और सेक्शन 300 से लेके लगभग 320 के जो जितने भी सेक्शन हैं, अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इन पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। और आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जब हम बात करते हैं CRPC की और एविडेंस एक्ट की, तो इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, यानी कि 2000 से देखें IT एक्ट 2000 से 2005 में, 2008 में, 2013 और 18 तक, आपको विशेष ध्यान देना है अमेंडमेंट्स के ऊपर क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन के ऊपर भी पूछ लेते हैं। बाकी देखिए यदि प्री एग्जाम है और टाइम कम है आपके पास तो आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, यानी कि आप एक बियर एक्ट पे फोकस कीजिए और बियर एक्ट में जो भी की पॉइंट्स देख रहे हैं, यानी कि किसी सेक्शन में कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया है उसे फोकस कर लीजिए, कोई स्पेशल ऑफिसर मेंशन किया गया है उसे फोकस कर लीजिए, या आपको कोई स्पेसिफिक बात उसमें देखने को मिल रही है सिर्फ उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसे फोकस कर लीजिए। और आप मेरे हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलिए, यानी कि लॉ के 2 सब्जेक्ट आप साथ में लेके चलिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको जो मैं करता था, मैं आपको एक टिप देने वाला हूं कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए और आपके पास कितने दिन है, चलिए 42-45 दिन मान लेते हैं, आप एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री उठाइए एडिशनल, और उस सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक यानी सिर्फ आधा घंटा आपको देना है, आधा घंटा उसे दीजिए हर दिन, और अगले 45 दिन तक सिर्फ उसे आधा घंटा यानी कि एक टॉपिक करते रहिए। अगले 45 दिन में देखेंगे वो सब्जेक्ट तो ऐसे ही खत्म हो गया, कितने बच्चे आपके, बाकी 3 सब्जेक्ट बचे हैं, और आप इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करते रहिए और एक सब्जेक्ट डेली उठाते रहिए लॉकअप। उसके बाद एक सब्जेक्ट तो आप देखेंगे कि कैसे खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला, और उसके बाद मैं लॉ, यदि आपने लॉ किया है तो आपको क्या फोकस करना है, बेयर एक्ट पे फोकस करना है, लैंग्वेज पे बिटवीन लाइंस पढ़ना है,
और एक दिन में आप यदि 10 घंटे बैठेंगे तो 10 घंटे में आप देखेंगे कि आपने कितना लॉ, कितने सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, आप ये देखेंगे। सोचिए मत, आप जब करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे चीजों को, तो वो सिलेबस कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। तो आपको फोकस क्या करना है, बियर एक्ट पे फोकस कीजिए, जो करंट कोई लीडिंग केस लॉ आपको दिख रहा है, और स्पेशली इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। जो इंडेक्स है, इंडेक्स को आप रीड करते रहिए, और जितना आपने एक हफ्ते में याद किया है उसे जरूर रिवाइज कीजिए, जरूर, या डे बाय डे भी आप 1 घंटा जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए। और साथ ही साथ आप जनरल नॉलेज को इग्नोर नहीं करेंगे, यानी कि आप टॉपिक कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन यदि आपने जनरल नॉलेज पे ध्यान नहीं दिया तो भी हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए कोशिश करें कि लॉ के साथ साथ डेली आप 2 से 3 घंटे जनरल नॉलेज को भी दें, और सत्येंद्र सर के गाइडेंस पे आप जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा क्रैक कर पाएंगे। तो आज के लिए जो मेरी टिप्स आपके लिए हैं वो यही हैं, लेकिन बस आप मेहनत करते रहिए, अगले 45 दिन सब भूल जाइए, और ये APO प्री आप क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच, और ऑल द वेरी बेस्ट।